हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ सोनाली और एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल लट्टू गोपाल की सेवा में स्वागत है। देखिए चलिए तो फिर आज हम आए हैं नागपुर के रेशम बाग में लगे हुए मेले में। तो देखिए दोस्तों, रेशम बाग इस एरिया में, यहाँ पर नागपुर का राजा गणपति बैठा हुआ है। तो गणपति के दर्शन हमने कर लिए हैं पहले ही। तो आपको अगर गणपति के दर्शन करने होंगे तो उसकी लिंक भी मैंने उस वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो दर्शन करने के बाद हम यहाँ पर, मेला लगा हुआ है बहुत बड़ा, तो इस मेले में आए हैं। इस मेले की एंट्री फीस 100 रुपीज़ है पर कैंडिडेट। हमने टिकट करवा ली है। चलिए देखिए, एंटर करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर फिश लगाई हुई है, फिश टैंक। बहुत सुंदर सुंदर तरीके फिश यहाँ पर लगाई गई है। ये देखिए, ये कलरफुल फिशेस है, छोटी से लेकर बड़े बड़े फिश तक यहाँ पर फिश लगाए गए हैं। तो अब और आगे हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से फिश टैंक लगाए गए हैं। ऊपर के साइड में फिश टैंक लगाए गए हैं। देखिए, अगर आप मानो आते हो तो आपको ऐसा फील होगा कि हम समंदर में ही आए हैं, इस तरह से फील होता है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी इसी मछलियाँ हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर देखकर सूर्यास्त तो डर ही गया था बीच में फिश देखकर। देखिए फुल ग्लास का बनाया है, टेक्सचर देख सकते हैं मेरे पीछे आप। देखिए श्रीराज तो बहुत डर रहा है यहाँ पर फिश को देखकर, और एंजॉय भी बहुत कर रहा है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया उसने यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह के न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। देखिए यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाया गया है, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन। बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें थी यहाँ पर। मेरे पास वक्त थोड़ा कम था इसलिए मैं आपको पूरी नहीं दिखा पाई, तो भी मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर जूतियाँ भी हैं। इस साइड में देखिए खिलौने की शॉप है, कपड़ों के भी यहाँ पर शॉप लगे हुए हैं। साथ ही घरगुती अचार और चाट के भी शॉप यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर जेंट्स के कपड़ों की शॉप है उस साइड में। देखिए और कुछ घर की चीज़ें हैं अट्रैक्टिव डेकोरेशन की। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था आपको, अचार पापड़ इस तरह का भी शॉप है। यहाँ पर देखिए हैंगर है वॉल को लगाने के लिए, की होल्डर। देखिए कितने सुंदर सुंदर से की होल्डर है यहाँ पर, बहुत सुंदर सुंदर की होल्डर है यहाँ पर। देखिए इस साइड में देखिए ज्वेलरी की शॉप, और जैसे ही मुझे ज्वेलरी की शॉप दिख गई, मुझे यहाँ पर ये बहुत अच्छे से झुमके पसंद आ गए कान के। देखिए ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, मल्टी कलर के है, कौन से भी ड्रेस पर आ जाती है। तो ये मैंने परचेस कर ली है, ये मुझे 300 रुपीज़ के मिले। इसके बाद ये देखिए, ये कितने सुंदर सुंदर जूतियाँ हैं लेडीज़ की कलेक्शन। देखिए कितना सारा कलेक्शन है इन लोगों के पास, बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव है। ये 500 रुपीज़ की है। पर्स भी है यहाँ पर सुंदर सुंदर। इस साइड में देखिए कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ज्वेलरी की शॉप है। बहुत सुंदर चूड़ियाँ यहाँ पर थी और झुमके भी थे, मैं ऑलरेडी एक परचेस कर लिए थे तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए। तो आइए अब अंदर खिलौनों की तरफ एंट्री करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले श्रीराज को ये निशाने वाले बंदूक से निशाना लगाना था, बलून्स फोड़ने थे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये गेम ट्राई किया,
बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस गेम में भी। श्री राजू और उसके पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है ये गेम, मैंने भी खेल लिया, फिर बहुत मज़ा आया खेलने के बाद। श्रीराज ने भी बहुत एंजॉय किया। चलिए अब आगे चलते हैं। इसी तरह के बहुत सारे गेम्स भी यहाँ पर थे मेले में, देख सकते हैं आप। ये बॉल से आपको सारे ग्लास को गिराना पड़ता है, फिर आपको ये गिफ्ट मिलते हैं। पर गाइस मैं बता रही हूँ सीरियसली, वो नहीं गिरते हैं ग्लास, एक भी अगर ग्लास रहता है तो आपको गिफ्ट नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ पर आगे रिंग वाला भी एक गेम था, वो गेम भी हमने खेला पर हम तो नहीं निशाना लगा पाए, तो हम आगे निकल गए। श्रीराज को खिलौने में खेलना था। देखिए ये छोटे बच्चों की ट्रेन है, इसमें श्रीराज बैठ चुका है, देखिए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। हर साल जब भी गणपति आते हैं पहले दिन से ही श्रीराज की रट लगाए लगता है चलिए मेले में। तो बच्चों को गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ये मेले में, बच्चों के लिए खिलौने होते हैं। श्रीराज ने जीत के इस ट्रेन में बैठना है, तो ये बड़े लोगों की है तो श्रीराज अकेला नहीं बैठ पाएगा, तो हम दोनों भी इसके साथ आ गए इस ट्रेन में बैठने के लिए। सीरियसली बताओ तो मुझे बहुत डर लगता है इस ऐसे वाले चीज़ों से, बट श्रीराज के जिद की खातिर मैं भी इस ट्रेन का आनंद लेने के लिए इस ट्रेन में बैठ गई। तो श्रीराज के साथ साथ हमने भी मेले में भी बहुत एंजॉय किया। अगर आपको बाकी भी नागपुर के गणपति के मंदिर, गणपति के दर्शन करने हो, साथ ही टेकरी गणेश मंदिर के दर्शन करने हो, और बहुत से गणपति अगर आपको देखने हो, तो मैंने चैनल में मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिए हैं, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आपको इसी तरह के बाकी गणपति के वीडियोस देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर भूख लग चुकी है, तो चलिए अब थोड़ी चाट खाते हैं। यहाँ पर देखिए ये चना चाट है, 40 रुपये का मिला है एक बाउल। इसके बाद में देखिए यहाँ पर मुझे कुछ धुआँ दिख रहा था, तो मैंने देखा कि क्या है। ये देखिए ये कुछ बिस्किट में नाइट्रोजन गैस है या और कुछ है, ये भाई साहब पता नहीं मुझे ये क्या मिलाते हैं। इस तरह से मिलता है ये 50 रुपीज़ का 1 कप, और बच्चे भी ले रहे थे यहाँ पर, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगा, ये तो हमने नहीं लिया। तो इसी तरह से हम आगे चलते गए। आगे देखिए यहाँ पर भी श्रीराज का मन तो अभी तक नहीं भरा है, इसे और खिलौनों में खेलना है, तो हम अभी आगे चलते हैं। बहुत से खिलौने थे यहाँ पर, पीछे देखिए जायंट व्हील कितना ज़ोर से घूम रहा है, मुझे तो बहुत डर लगता, तो हम वो जायंट व्हील में नहीं गए। श्रीराज को यहाँ पर भूख लगी थी, तो देखिए यहाँ पर पिज्ज़ा मिल रहा है, तो श्रीराज का पिज्ज़ा बहुत फेवरेट है, तो यहाँ पर हम पिज्ज़ा खाने के लिए रुके हैं। देखिए श्रीराज तो बहुत खुश हो चुका है, यहाँ पर पिज्ज़ा मिल रहा है, तो हमने यहाँ पर पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया है, पिज्ज़ा का वेट करते हैं। चलिए आइए, देखिए बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है श्रीराज का। तो अभी श्रीराज यहाँ पर पिज़्ज़ा खाएगा, इसके बाद में हम फिर से आगे चलेंगे पिज़्ज़ा खाने के बाद। देखिए अभी तक तो वेटिंग में है, पिज़्ज़ा नहीं आया, तो चलिए श्रीराज ने अब पिज़्ज़ा खा लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मेला है, यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा है,
तो जैसे कि मैंने बोला था कि श्रीराज का अभी एंजॉयमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, उसे फिर से खिलौनों में एंजॉय करना है, तो वो इस खिलौने में बैठ गया है और अपनी राइड एंजॉय कर रहा है। अगर आपको भी आपके बच्चों को एंजॉय करवाना हो तो इस टाइप के मेले में आप आ सकते हैं। नागपुर में रेशम बाग एरिया में बहुत बड़ा मेला लगाया गया है, ठीक मंदिर गणपति के सामने ही, नागपुर का राजा जहाँ पर बैठे हैं उसके सामने ही ये बहुत बड़ा मेला लगाया गया है। आप भी जाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर इसी तरह से आपको ये मेरा चैनल और मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट ज़रूर 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 करें। हरे कृष्णा।